कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ओके जी, देख लेते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है वो है चाइनीज़ काउंटिंग के बारे में। मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर हम लोगों ने चाइना में कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, हमें काउंटिंग मस्ट आनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोगों ने कोई जॉब करनी है तो काउंटिंग का पता होना चाहिए, ठीक है। तो काउंटिंग बहुत सी जगहों पे यूज़ होती है, बिजनेस वे में भी यूज़ होती है, वैसे भी यूज़ होती है। घर का नंबर, फ़ोन का नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, सब में यही नंबर्स यूज़ होते हैं। तो चाइनीज़ नंबर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे 0 से 10,000 तक चाइनीज़ की काउंटिंग कैसी होती है। हैरान हो रहे होंगे कि एक ही लेक्चर में इतना कैसे कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। चाइनीज़ काउंटिंग बहुत ईजी है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है इसको। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसान भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास है कि 0, 1 to 10। अगर आप लोग ये इतनी काउंटिंग याद कर लेते हैं, इतनी काउंटिंग याद करने का आपको फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है? कि इसके फ़ायदे ये हैं कि सबसे अच्छी इस लैंग्वेज की बात यह है कि सिर्फ काउंटिंग याद होने पर आपकी बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और उसके अलावा अगर हम लोग देखें के फ़ोन नंबर और घर का नंबर, ठीक है, ये सब चीज़ें कॉमन है कि अगर काउंटिंग हम करेंगे या तो ऑब्वियस बात है ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ देखें आप लोग के डेज़ ऑफ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, ठीक है। और हमारा डिफरेंट है, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरा, जुमा, हफ्ता, इतवार, इस तरह से। लेकिन चाइनीज़ में अगर आपको सिर्फ काउंटिंग याद है, इसके साथ सिर्फ एक और वर्ड ऐड होगा, आपका पूरा डेज़ ऑफ वीक कवर हो जाएगा। उसके अलावा क्या है, काउंटिंग याद करने का एक फ़ायदा कि आप एक महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है, 30 दिन होते हैं, उनके साथ एक वर्ड लगेगा, पूरा महीना कवर हो जाएगा। मंथ कितने होते हैं, 12, उसके साथ एक वर्ड लगेगा, पूरा मंथ कवर हो जाएगा। हमारे मंथ तो नेम चेंज है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब चेंज है, लेकिन इसमें सिर्फ काउंटिंग का एक एक वर्ड ऐड होता जाएगा। तो हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं सिर्फ 1 to 10 काउंटिंग याद करने से। चलें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि काउंटिंग को चाइनीज़ में हम लोग बोलते हैं शूज़। क्या बोलते हैं? शूज़। शूज़, शू बोलते हैं काउंट करने को, और ज़ अल्फाज काउंट करने वाले लफ्ज़, ठीक है, ज़ सू शूज़, इसको हम बोलेंगे काउंटिंग। हम सबसे पहले देख लेते हैं 1 to 10 काउंटिंग हमारे पास क्या है। ओके, इस स्लाइड में हमारे पास है शूज़ 1 to 10। सबसे पहले हम देखते हैं कि 0 0 को चाइनीज़ में क्या बोला जाता है, लिंग, ठीक है, ऊपर की तरफ आवाज़ जा रही है, ये आप लोग देख सकते हैं, लिंग लिंग। उसके बाद क्या है हमारे पास, 1 2, ठीक है। अब 1 को क्या बोलते हैं चाइनीज़ में, 1 को हम बोलते हैं ई ई, और 2 को हम बोलते हैं आर आर, टोन नीचे गिर गया, ई आर ई आर। अब एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, चाइनीज़ जो करेक्टर्स हैं इनमें 1 to 10 आप लोगों ने इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है 3 4। 3 को हम क्या कहते हैं, सान सान, और 4 को क्या कहते हैं, स स। इसको कुछ स्टूडेंट से बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट सा बोलते हैं, नहीं, ये वर्ड है स स, सीन हे, ठीक है, स स, सान स। ओके, सान और स का हम लोग करेक्टर भी देख लेते हैं। सान का सिंपल 3 लाइनें हैं और स का ये करेक्टर है हमारे पास, ठीक है। इन करेक्टर्स को लिखना कैसे सीखते हैं वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके, 5 6, 5 को हम क्या बोलते हैं, वू वू वू, और 6 को ल्यू ल्यू वू ल्यू। ई आर सांस ई आर सांस, वू ल्यू वू ल्यू वू ल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है, इसके करेक्टर्स भी आप देख लीजिएगा 5 और 6 के क्या हैं हमारे पास, बहुत इजी इजी करेक्टर्स हैं इनके। ओके, 7 8, 7 8 को क्या बोलते हैं, 7 को हम बोलते हैं छी,
एट को हम बोलते हैं पा, बी को हमने प पढ़ा है ना, छी पा वो लियो छी पा वो लियो छी पा, ठीक है। छी का ये करेक्टर है हमारे पास और पा का ये करेक्टर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नाइन और टेन। नाइन और टेन को हम बोलते हैं, नाइन को कहते हैं च्यू च्यू, ठीक है, च्यो चे ये वाओ च्यो चे ये वाओ च्यो च्यो शिर च्यो शिर च्यो शिर छी पा च्यो शिर छी पा च्यो शिर। ओके, ये इसके करेक्टर्स हैं। इन सब को आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इनके करेक्टर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखें, प्रैक्टिस दोबारा से शुरू करके कर लेते हैं। कीज़ हमारे पास कितनी है, नाइन। टेन का भी हम देख लेंगे। वन को क्या कहते हैं हम, ई, करेक्टर ये है। टू को आर, करेक्टर ये है हमारे पास। थ्री को क्या कहते हैं, गैस करें, सान, गुड सान, ये इसका करेक्टर है। फोर को क्या कहते हैं, स स स, ये इसका करेक्टर है, ठीक है। वो पांच को क्या कहते हैं, वो वो वो, और ये इसके हंज, ठीक है, हंज करेक्टर्स को कहते हैं, पढ़ा था ना हमने एक लेक्चर में। सिक्स को क्या बोलते हैं, ल्यू ल्यू, ई आर सांस ई आर सांस, वो ल्यो वो ल्यो। सेवन को छी, एट को पा, नाइन को चो, और टेन को क्या कहते हैं हम, शिर च्यो शिर, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है ऐसे, ई आर सांस ई आर सांस, वो ल्यो छी पा वो ल्यो छी पा, च्यो शिर च्यो शिर च्यो शिर, ई आर सांस वो ल्यो छी पा च्यो शिर। एंड में आप लोगों की इतनी कम से कम स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। होपफुली ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। उसके बाद बाकी सारी काउंटिंग पानी की तरह है, बहुत ईजी। अब शूज़ नेक्स्ट हम देखेंगे 11 टू 100 क्या है हमारे पास। 11 टू 100 हमारे पास देख लेते हैं पहले 11 टू 20। अब आप लोग देखें 11 कैसे बनता है। 11 बनता है 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 10 एक 11 उर्दू में हम बोलते होते थे जब स्टार्टिंग में स्कूल्स के ज़माने में आवाज़ें आती होती थी क्लास से, 10 एक 11, 10 दो 12, ठीक है। 10 को क्या बोलते हैं हम, 10 को हम बोलते हैं शिर, और 1 को क्या बोलते हैं हम, ई। तो वर्ड क्या होगा, शिर ई, शिर ई किसको बोलेंगे, 11 को, शिर ई 11। 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 10 दो 12 शिर और, 10 3 13, ठीक है, 10 3 13 शिर सन शिर सन 13, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 14 को क्या कहेंगे, गिनती बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो याद होनी चाहिए। यहाँ पे शिर, 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, ठीक है, शिरस 14, शिर वो 15, शिर लियो 16, शिर छी 17, शिर पा 18, शिर छो 19, ठीक है। बहुत ईजी है, 1 to 10 काउंटिंग याद, अगली सारी बहुत ईजी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 20। 20 को क्या बोलते हैं, जब हमारे पास 2 10 मिलते हैं तो 20 बनता है, ठीक है। 2 को क्या हम बोलते हैं आर, और 10 को क्या बोलते हैं शिर, तो ये मिलके क्या बनेगा, 20। 2 10 20, 2 10 20, 30 क्या होगा, 3 10 30, तो 3 को हम क्या बोलते हैं सान, 10 को क्या बोलते हैं शिर, 3 10 30, 4 10 40, शिर 40, वो शिर 50, लियो शिर 60, 6 शिर 70, 5 शिर 80, 6 शिर 90। ईजी है ना, चाइनीज़ बहुत ईजी है इसलिए घबराना नहीं है। नेक्स्ट हम तो देखते हैं 90 तक पूरा हो गया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है 100, 100। 100 को क्या बोलते हैं, 100 के लिए एक डिफरेंट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं पाए, पाए पाए,
कौन सी टोन है? पाए, पाए, बी कॉम पग बोलते हैं ना, पाए 100। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है चाइनीज़ काउंटिंग की साइन। अब चाइनीज़ काउंटिंग तो हम लोग याद कर लेंगे 1 से 100 तक, लेकिन चाइनीज़ लोगों का कुछ सीन है, कुछ अलग होते हैं ना चाइनीज़, तो इसलिए जब दुकान पे कोई भी चीज़ खरीदते हुए चाइनीज़ लोग एक साइन करते हैं, 1 के लिए एक उंगली उठा देते हैं, सॉरी 1 के लिए एक उंगली उठाते हैं, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए ये वाला साइन होता है, 7 का ये साइन है, लाइक जैसे हम नवाला लेते हैं ना चावल का, सेम वो साइन है, उसको जोड़ देते हैं, पा 8 का ये साइन है, च्यो का जैसे हम वो तोता बनाते हैं एक साई में, ठीक है वो साइन है, और 10 के लिए मुट्ठी बंद, ठीक है। इसको जब आप लोग याद कर रहे होंगे, इसमें करेक्टर्स भी सारे साथ में लिखे हुए हैं हंस, तो आप लोग हाथों से इस साइन को शो करते हुए साथ में प्रैक्टिस करें, तो एक साथ में ही दो दो चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद शू, शूज़, हंस, ये चाइनीज़ जो करेक्टर्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए इसकी एक स्लाइड बना दी है, इसको थोड़े से सेकंड्स के लिए देखें, 1 to 10 इसके घर में अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिख लें इसे नोटबुक पर, और इस यहाँ पे स्टॉप करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं 100 तक हमारी काउंटिंग हो गई है, ठीक है। शूज़ हमारे पास 100 से 10,000 तक हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, 100 को क्या बोलते हैं, ठीक है। 100 से 10,000 तक 100 को हम लोग शूज़ हम लोग देखेंगे, 100 फिर 1,000 का और फिर 10,000 का, ठीक है। 100 को हम लोगों ने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा है, पाए, पाए 100 के लिए यूज़ होता है, 1,000 के लिए क्या यूज़ होता है, छियन, छियन, ठीक है, फ्लैट टोन के साथ, इसे छियान नहीं कहना, छियन, छियन। उसके बाद 10,000 के लिए वर्ड आता है वन, फॉलिंग टोन के साथ वन, 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 ठीक है, इनको याद कर लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 10, 20, 30, 40, 50 हमें करवा दिया है, तो उसके बीच के जो वर्ड्स हैं वो कहाँ गए, ठीक है। अब एक एक वर्ड इस लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ वर्ड्स की, जो अदर वर्ड्स हैं हमारे पास, नंबर्स 25, ठीक है, 20, 5, 25। 20 को हम क्या बोलते हैं, अर शेर, गुड। 20 को हमने पीछे पढ़ा है अर शेर, और 5 को क्या कहते हैं, वो, 20, 5, 25, अर शेर वो 25, ये वही करेक्टर्स, अर का ये करेक्टर था, शेर का ये करेक्टर था, वो का ये करेक्टर था, 50, 5, 50, 7, 57, ठीक है। 50 को हम क्या बोलते हैं, वो शेर, 7 को क्या बोलते हैं, छी, वो शेर छी, ठीक है। 90, 8, 98, 90 को क्या बोलते हैं, च्यो शेर पा, च्यो शेर पा, च्यो शेर पा। जब 20 हमने पढ़ लिया ना, आगे 20 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लगाना। 30 पढ़ लिया, 30 के आगे, 30 को हम क्या बोलते हैं, सानशिर, सानशिर ई, 31, सानशिर आर, 32, सानशिर सान, 33, ठीक है, बहुत ईजी है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें 300, 600, 900, 100 को हम क्या कहते हैं, पाए, 3 को क्या कहते हैं, सान, तो 300 के लिए क्या होगा, सान पाए, 6 के लिए क्या होगा, ल्यू पाए, 9 के लिए क्या होगा, च्यो पाए, ओके। 1,000 के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा है, छियन, छियन, ठीक है। 1,000 ई छियन, 5,000 वो छियन, 9,000 च्यो छियन, च्यो छियन, छे छे च्यो छियन, ठीक है, ये इनके करेक्टर्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है आप लोगों ने। 10,000 को हम क्या बोलते हैं, वन, तो हम लोग 10,000, ठीक है, 10,000 के लिए वन आ जाएगा, 30,000 में कितने थाउजेंड है, यस, सान वन। उसके बाद पा 80,000, 80,000 में 8 वन, 8 के 10 मिले तो 80,000 बन गया पा वन, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे वर्ड्स को, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोग इनके करेक्टर्स को अच्छे से कर लो प्रैक्टिस, तो सारी काउंटिंग क्लियर हो जाती है।
ओके जी, जाई चेन तो आप लोगों को नज़र आ गया होगा, मतलब ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग जब 1 to 10 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे याद करना। ओके, गुड बाय के लिए यूज़ हम क्या करते हैं, जाई चेन। उसके बाद थैंक यू के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना और चाइनीज़ काउंटिंग सीखी। शुक्रिया को हम लोग चाइनीज़ में बोलते हैं शे शे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह अगले